जीनियस बेसिकली एंटरटेनिंग फिल्म है और मास ओरिएंटेड फिल्म है। इसमें सब तरीके का मसाला है जो अनिल जी बेसिकली जो हमेशा करते आए हैं, हर तरीके की जो पिक्चर बनाते हैं, जिसमें म्यूज़िक है, एक्शन है, ड्रामा है, डायलॉग्स हैं और ये सब चीज़ें जो होती है जो लोगों को पसंद आती है, बेसिकली वो सब चीज़ें हैं। ओके, और बताइए कि मतलब जैसे कि जीनियस में नए कलाकार भी जुड़े हुए हैं, उनका बेटा लॉन्च हो रहा है जैसे कि उत्कर्ष शर्मा। या उत्कर्ष शर्मा लॉन्च हो रहे हैं, बहुत अच्छा है बिकॉज अनिल शर्मा जी का बेटा है तो डेफिनेटली हमने जब पिक्चर प्रपोजल जब मेरे पास आया था ये पिक्चर के लिए, मेरे फादर ने मुझे बोला कि अनिल शर्मा जी अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं और अपने को ये प्रोजेक्ट में जुड़ना है। तो पहले तो मैंने सोचा कि हर बड़े आर्टिस्टों के साथ में वो काम करते आए हैं, सनी के साथ, सलमान के साथ में, अब बेटे के साथ नए आर्टिस्ट के साथ में कैसे क्या रहेगा आगे, हम इसका किस तरीके से आगे बिजनेस कर पाएंगे या किस तरीके से, मतलब एक होता है कन्फ्यूजन आता है माइंड के अंदर कि एक आर्टिस्ट होता है, बड़ा आर्टिस्ट होता है तो 2 मिनट लगती है या लेट्स गो हैड, सलमान है, सनी है, 2 मिनट में अपन प्रोजेक्ट बना लेते हैं, वर्कआउट कर लेते हैं और वो पिक्चर आगे फटाफट बिजनेस भी कर लेती है, बिक जाता है। लेकिन हाँ, चैलेंजिंग होता है नए आर्टिस्ट के साथ काम करना, बट मेरा हमेशा से रहा है कि अपने नए आर्टिस्टों को आप चांस दें, क्योंकि नए टैलेंट अगर आप लेके आएंगे इंडस्ट्री के लिए तो वही शाहरुख निकलेंगे, वही सलमान निकलेंगे, वही आमिर निकलेंगे। शाहरुख सलमान के साथ आप कितनी पिक्चर कर लेंगे, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। ओके, इसी के साथ में किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है जब आप एक नई कहानी नई फिल्म को चुनते हैं? जी, सबसे पहली चीज़ होती है स्क्रिप्ट, कि आपकी स्क्रिप्ट क्या है, कि वो स्क्रिप्ट जज कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो हम सबसे पहले स्क्रिप्ट पे ध्यान देते हैं, उसके बाद में उसको कौन परफॉर्म कर रहा है, कैरेक्टर्स क्या हैं, कैरेक्टर्स में कौन जो है उसको प्रॉपरली कर पाएगा। जब ये प्रोजेक्ट किया था तो उस समय नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं थे प्रोजेक्ट में, लेकिन हमने जो है नवाजुद्दीन को लेके आया क्योंकि वो कैरेक्टर जो था, विलेन का जो कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर में मैं ये चाह रहा था कि एक इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आना चाहिए कि जो पिक्चर को जो है थोड़ा सा वाइडली उसको कर दें, उसका कैनवास बड़ा कर दें। तो नवाजुद्दीन को हमने फिर फाइनल किया। और फिल्म के अंदर मिथुन भी हैं, उनका किस तरीके? हाँ, मिथुन दा भी बहुत, मतलब उनके बारे में तो क्या बोलना है, मिथुन दा तो अपने आप में एक हस्ती है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सो यस। ओके, कहाँ कहाँ पे शूटिंग करी आप लोग? करीब 14 जगह, 14 locations पे वी हैव शॉट, मॉरिशियस फॉरेन में, बाकी हमने दिल्ली किया, मथुरा, वृंदावन, देहरादून, मसूरी, पूना, बॉम्बे, ऐसी कई जगह हमने शूटिंग की, इंदौर। ओके, एक्टर्स के बारे में अगर बात करिए तो कैसा लगता है उनका काम, कैसा था उनके साथ में एक्सपीरियंस करने, क्योंकि नए कलाकार के साथ में काम करने का बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है? हाँ, मुश्किलें आती हैं। मैंने सबसे पहली जो मेरी प्रोडक्शन पिक्चर है सनम तेरी कसम, उसमें हमने नए लड़की को ही लॉन्च किया था, हर्षवर्धन राणे, तो वो एक्सपीरियंस रहा है मुझे और अच्छा रहा। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि नए टैलेंट को मैं चांस दूँ जितना हो सके। सर, आपकी मूल फिल्म भी आ रही है तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कि ऋषि कपूर एक बड़े बैनर है जो 3 अगस्त को रिलीज भी होने वाली जी, तो उसके लिए किस तरह से आप एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए? फिल्म के लिए बहुत एक्साइटेड हैं और अभी पिक्चर 3 तारीख में हार्लिंग की शायद 3 या 4 दिन रह गए हैं, तो आप देख ही रहे होंगे कि इसकी जो पिक्चर की जो गर्मी है वो कितनी आ चुकी है, कितनी पब्लिसाइज हो चुकी है और मीडिया सब पूरा उसको कवर कर रहा है, तो एक्साइटमेंट तो होता ही है, खुशी होती है। अब वो पिक्चर क्या निकलती है क्या नहीं निकलती हो तो आज कोई बोल नहीं सकता है, बट आज की तारीख में जो चीज़ है, यस, बहुत एक्साइटेड है उसको लेकर के। सर, जैसे बीइंग अ प्रोड्यूसर, हर टाइम जब भी हम किसी फिल्म में हम पैसा लगाते हैं तो सर कई चीज़ों को देखा जाता है, तो आपने क्या चीज़ें देखी थी कि जीनियस फिल्म में अगर मैं अपने पैसे डाल रहा हूँ तो फिर क्या चीज़ें हो, बहुत सारी स्ट्रिक्टनेस भी आ जाती, तो आपने क्या सोचा था वो टाइम पे? अभी सब हम तो क्या है, सब विश्वास पे दुनिया खड़ी हुई है और विश्वास पे ही हम चलते हैं, यही विश्वास है कि पैसा जो लगाया है वो वापस आ जाएगा और दूसरी पिक्चर में वापस लगा देंगे। लेकिन यह है कि है थोड़ी रहती है मन में दुगदुगी रहती है कि आप किसी नए बच्चे पे आप पैसा लगा रहे हैं और पैसा लगाने के बाद में वो आएगा कि नहीं आएगा वापस, पैसा कुछ पता नहीं चलता। लेकिन यस, अनिल शर्मा जी के साथ पिक्चर बनाने का एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा है और उनमें जो पैशन है अपने बच्चे को लेकर के, और बच्चा बाद में है, सबसे पहले वो अपनी पिक्चर को देखते हैं। सबसे अच्छी बात उनमें यह है कि मैं जो सिनेमा बना रहा हूँ वो मेरा सिनेमा बनेगा,
उसके बाद फिर वो उनका बेटा है, और डेफिनेटली बेटा होता है तो उसका एक और जोर लगता है उसके अंदर, और उसमें जान वो डालते हैं उस चीज़ के लिए। तो वो पैशन मुझे अच्छा लगा, और उनके साथ में आई मीन आपने पहले इंटरव्यूज़ में भी अनिल जी ने बोला ही है कि ये पिक्चर हमने 3 महीने में ख़त्म की है, कि अनिल जी के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि जो प्रोजेक्ट उनके लिए 3 महीने में ख़त्म हुआ है, अदरवाइज़ कोई 1 साल 1.5 साल 2-2 साल 3-3 साल भी लगे हैं प्रोजेक्ट्स बनाने में। तो समय के हिसाब से बदलना बहुत ज़रूरी है हर किसी को। अगर आज समय के साथ चलेंगे तो समय आपका साथ देगा, ये हमारा मानना है। तो हर किसी को बदलना चाहिए, तो वो बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, हम जैसे बात करते हैं नए स्टार्टअप्स को, जब भी हम लॉन्च करते हैं तो कहीं ना कहीं जैसे लोग चाहते हैं कि जो नए बच्चे हैं, जो नए जो अननोन चेहरे हैं, ना कि कोई स्टार के बेटे, ना कोई फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बेटे हों, वो लॉन्च हो, तो आपका क्या राय है इस मुद्दे पर? नहीं, इस मुद्दे पे राय अच्छी है, और हमारे पास जितने भी कनेक्टिविटी आती है नए आर्टिस्टों की, तो हम उनको कभी भी डीमोरलाइज नहीं करते हैं, उनको हमेशा एंकरेजमेंट करते हैं, एंकरेज करते हैं कि आप कभी भी किसी भी चीज़ के लिए आप गिव अप मत करो, और जो भी आपको काम मिलता है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो टीवी के माध्यम से आए हैं आप, या एड से आए हैं, या आप पिक्चर हो या वेब सीरीज़ हो। मेरे पास कई ऐसे यूथ आते हैं, यंगस्टर्स आते हैं, वो बोलते हैं कि हमको जो है टीवी में काम नहीं करना, हमको सीधा पिक्चर में काम करना है। तो हमको हम यही समझाते हैं कि पिक्चर में काम करना इतना आसान नहीं होता है। अगर हर जो नया नए जो भी आते हैं उनके लिए पिक्चर में ही काम करना हो तो हर कोई नहीं कर सकता, इट इज़ नॉट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो जो भी काम मिलता है वो आपको करना चाहिए, ये देख करके कि हाँ ये अच्छा है और बुरा, अच्छा ही बुराई की तो आपको पहचान होनी चाहिए, उस हिसाब से आप काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे और आगे काम मिलेगा। 24 तारीख को फिल्म रिलीज होने वाली, तो आप दर्शकों के लिए क्या कहना चाहते हैं? जीनियस, आपको अगर जीनियस बनना है तो आप जीनियस जरूर देखिए। थैंक यू।